पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक क्वीन उस जनरल को वापस से वहां पर भेजती है ताकि वो हाव भाई के अंदर से उसकी स्पिरिट पिल निकाल सके, जिस वजह से उसके पास भी चांस होगा इमोर्टैलिटी हासिल करने का। इसलिए वो जनरल अपने साथियों के साथ हाव भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो वहीं हाव भाई भी अपने दोस्तों के साथ अपने गाँव जा रहा होता है ताकि वहां पर कुछ दिन आराम कर सके। तभी रास्ते में शियाओ को एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो हाव भाई से कहते हुए जाता है, 30 दिन के अंदर तुम मेरे पास वापस आ जाना, वरना अगर तुमने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो तुम काफी लोगों की जान भी ले सकते हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और अब यहां से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस जनरल और उसके साथियों को देखते हैं जो सभी आईची के पीछे होते हैं, जहाँ आईची घोड़े पर सवार होकर उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर उड़ते हुए हाव भाई आता है जो आईची को वहां से बचाते हुए साइड में लेकर आ जाता है और सारे के सारे जनरल उसके साथ ही वहां से डर के मारे आगे निकल जाते हैं। तब ये चीज देखकर आईची एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये तो बस हाव भाई का सपना था और वो जियांग को गले लगाते हुए कहता है, आईची तुम कितनी अच्छी हो। जिसके बाद वो सभी अब घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं क्योंकि अब आगे उन्हें पैदल ही गाँव की तरफ जाना होगा। लेकिन तब वो सभी आसपास की हालत देखकर एकदम हैरान रहते हैं क्योंकि ये जगह काफी अजीब दिखाई दे रही थी पहले से। लेकिन तब भी वो बातें करते हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सके। तब हाव भाई आईची से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिस पर आईची उसे बताती है, जब मैं छोटी थी तो कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए थे, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और सारी चीजें लूट कर लेकर चले गए। वो लोग मुझे भी मार देने वाले थे लेकिन जैसे तैसे मैं उनसे बच गई। तब एक बूढ़े आदमी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और अब से वो मेरे सौतेले फादर हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं दवा की तलाश में हूँ ताकि उन्हें ठीक कर सकूं। ये सुनकर हाव भाई को काफी बुरा लगता है कि आईची को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो आईची से कहता है, देख लेना मैं तुम्हारे लिए उन सभी सिपाहियों को मार गिराऊंगा जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, मैं एक एक से तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। ये सुनकर आईची खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी वहां से दोबारा अपने गाँव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद ही उन्हें वहां पर वो जनरल दिखाई देता है जो अपने कई सौ साथियों के साथ था। अब वो आते ही हाव भाई और बाकियों को चारों तरफ से घेर लेता है, जहां से अब हाव भाई के निकलने का तो कोई चांस ही नहीं था। इधर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो अभी तक हाव भाई के पीछे ही होता है ताकि वो भी उससे उसकी ड्रैगन पिल ले सके। तब उसे वहां पर वो चोर दिखाई देते हैं जो कि मरे हुए थे। तब उन्हें देखकर वो यंग मास्टर कहता है, ये तो अनडेड टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी के मरने के बाद भी उसके स्पिरिट से किसी चीज का पता लगा सकता है, आखिर इतनी खतरनाक टेक्निक किसको आती है। जिसके बाद वो एक सुई को एक चोर के हाथ में घुसा देता है और जैसे ही वो सुई थोड़ा सा ब्लड उसके अंदर से सोखती है, उस चोर की बॉडी पूरी तरह से राख में बदल कर गायब हो जाती है। तब यंग मास्टर की साथियों में से दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, जहां एक लड़की कहती है, आखिर लोग इतना इमोर्टैलिटी के पीछे क्यों भागते हैं, जबकि मैंने सुना है जब किसी के पास इमोर्टैलिटी की पावर्स आ जाती है तो उसका खुद पर से जल्दी कंट्रोल भी नहीं रहता और वो किसी तरह का मॉन्स्टर बन जाता है, बस उसके पास इमोर्टैलिटी हासिल हो जाती है लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकता। तब भी लोग इस इमोर्टैलिटी के पीछे क्यों भागते हैं? तब यंग मास्टर उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, कुछ सालों पहले एक बहुत ही खास सेक्ट हुआ करता था जिनके जादूगरों के पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि उन्होंने इमोर्टैलिटी को बनाया, लेकिन इमोर्टैलिटी हासिल करने के बाद लोग अच्छाई के बजाय बुराई ही करने लग गए, इसलिए बाकी सेक्ट ने मिलकर उस सेक्ट को खत्म कर दिया ताकि वो कभी भी दोबारा इमोर्टैलिटी हासिल करने वाली टेक्निक ना बना सके। और जिस शियाओ के पीछे हम अभी हैं, जिसने हाव भाई को उठाकर लेकर चला गया, मुझे तो लगता है कि वो उसी सेट के किसी मास्टर का डिसेंडेंट है। उसकी पावर्स देखकर मुझे वैसा ही लगा क्योंकि उसके पास भी उसी सेट के मास्टर जितनी पावर्स है, इसलिए वो इतनी आसानी से हाव भाई के ड्रैगन को भी कंट्रोल कर पाया और उसे उसकी बॉडी पे कंट्रोल करना भी सिखाया, वरना वो ड्रैगन जिसके अंदर भी चला जाए वो इतनी जल्दी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, खास करके हाव भाई जैसा कमजोर इंसान तो इसके ना के बराबर ही है। वो ड्रैगन उसके अंदर घुसते ही हमेशा उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखे होता, लेकिन शियाओ की वजह से हाव भाई खुद को भी कंट्रोल कर पाता है और उस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर पाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि उस सेक्ट के मास्टर ड्रैगन की गार्डियन करते थे और उसी सेक्ट का डिसेंडेंट होने की वजह से आज शियाओ हाव भाई के पीछे पड़ा है ताकि उसके ड्रैगन की वो गार्डियन कर सके, क्योंकि उसकी पीढ़ी तक के यही काम चलते हुए आया है कि वो एक गार्डियन की तरह उन ड्रैगन को संभालते हैं। लेकिन अभी
शियाओ के मन में क्या है इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता कि आखिर वुड्स ड्रैगन को क्यों हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि वो उस ड्रैगन को बुरे लोगों के हाथों में जाने से बचा रहा हो, क्योंकि अगर किसी बुरे के पास उस ड्रैगन की पावर्स चली गई तो वो हो सकता है कि पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने की सोचे। तभी वो मरे हुए चोर ज़ॉम्बी की तरह बनकर सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन्हें खत्म कर देता है। इधर शियाओ अब भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे होता है, लेकिन वो व्हाइट मॉन्स्टर तो उसके पकड़ में आ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है, जो उससे कहता है बताओ मुझे कि आखिर वो ड्रैगन किधर है। लेकिन शियाओ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तब ये सुनकर यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शियाओ भाई उससे भी बच जाता है और फिर यंग मास्टर को समझाने लगता है कि तुम्हें उस ड्रैगन की पावर्स को नहीं लेना चाहिए, वो कोई वरदान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप है। जिसके पास भी उसकी पावर्स होगी वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और जैसा वो ड्रैगन चलाना चाहे वो उसी तरह से चलेगा। उल्टा तो मैं तुम्हें इस चीज से बचा ही रहा हूँ ताकि दुनिया में कोई तबाही ना आ जाए। जिस पर यंग मास्टर कहता है दुनिया में तबाही आ भी गई तो उसमें मेरा क्या फायदा, मैं तो उल्टा इमॉर्टल बन जाऊंगा जिस वजह से मुझे तो कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा, तो दुनिया के बर्बाद होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब शियाओ सामने एक सील लेकर आ जाता है और जैसे ही उसका अटैक उस सील पे रखता है वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके का फायदा उठाकर शियाओ चुपचाप से वहां से निकल जाता है। इधर हम हाओ भाई और बाकियों को देखते हैं जो सभी चारों तरफ से उस जनरल और उसके सिपाहियों से घिर गए होते हैं और वहां से बच के जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता। तब उस जनरल को देखकर हाओ भाई कहता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे ना। लेकिन तब उस जनरल को हाओ भाई के गला चमकते हुए दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर उसकी ड्रैगन पिल होती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो जिस चीज का मुझे काफी टाइम से इंतजार था अब वो चीज मेरे सामने ही खड़ी है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहकर हाओ भाई को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने उसके पास आते आयची वहां पर एक बॉम्ब फोड़ देती है, जिस धुएं का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से एक पत्थर के नीचे आकर छुप जाते हैं। लेकिन आयची हाओ भाई के काफी करीब होती है जिस वजह से हाओ भाई उससे कहता है अरे मैं तो सांसें भी नहीं ले पा रहा, तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ। लेकिन आयची उसके मुंह पर ही हाथ रख देती है ताकि वो कुछ कहना दे, वरना अगर किसी चीज की आवाज यहाँ से निकली तो उस जनरल को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन तभी जियांग हाओ भाई से कहता है मुझे फाट आ रही है, मुझे उसे अभी करना होगा क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब हाओ भाई उससे कहता है अगर तुमने अभी फाट किया तो मैं उसी गैस के अंदर तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा, इसलिए कैसे भी करके चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। इसलिए वो प्रेशर को दबाना शुरू कर देता है और तीनों लोग अपनी सांसें रोककर वहीं पर छुप जाते हैं और उनके आसपास वो जनरल अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है, जिस चीज से हाओ भाई और बाकी एकदम ज्यादा डर रहे होते हैं कि कहीं ये जनरल उन्हें ढूंढ ना ले। लेकिन तब जनरल अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो बड़ी ही आसानी से पता लगा लेता है कि आखिर ये हाओ भाई और बाकी किस जगह पर छुपे हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है जिसके नीचे हाओ भाई और बाकी छुपे हुए थे। इस वजह से हाओ भाई और बाकियों को वहां से बाहर निकल कर आना पड़ता है, लेकिन अब सिपाही उन्हें दोबारा से घेर लेते हैं। इसलिए हाओ भाई और बाकी भी अपने अपने वेपन लिए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।